मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज कुछ मित्रों के द्वारा जो सिविल जज की परीक्षा दे रहे हैं या जो जज बन गए हैं, ये पूछा गया है कि सर सिविल जजमेंट में इश्यूज का क्या महत्व है, निर्णय कैसे लिखा जाता है। इस विषय में मैं फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज और निर्णय तथा एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस जनरल टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ। विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे शुरू से अंत तक देखें। वीडियो को बीच में स्किप न करें, बीच में ना छोड़ें, अन्यथा आपकी सामग्री इस वीडियो में बताई जो जा रही है वो समझ में आसानी से नहीं बैठेगी। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सिविल मामले में वादी और प्रतिवादी होते हैं। जो व्यक्ति न्यायालय से प्रतिवादी के विरुद्ध रिलीफ चाहता है वह सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत करता है। मैंने अलग से भी इस चैनल पर कई वीडियोज इस बारे में अपलोड किए गए। दावा प्रतिवादी के विरुद्ध जो भी सहायता अधिकार और दायित्व के संबंध में चाही गई है वो सिविल न्यायालय में लगाया जाता है। सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया जाता है जिसकी जांच की जाती है, और वो दावा अगर सही पाया जाता है तो उसे रजिस्टर्ड करके सिविल के रजिस्टर में नंबर दे दिया जाता है और प्रतिवादी को नोटिस जारी होता है। वादी जो सहायता मांगने गया है, सहायता अनुतोष मांगने गया है, वो वादी रहता है और प्रतिवादी जिसके विरुद्ध वो सहायता चाहता है। तो इस मामले में वादी और प्रतिवादी की वादी की प्लीडिंग उसके अधिवक्ता के द्वारा दावे में की जाती है जिसे प्लेंट कहा जाता है, तथा प्रतिवादी के द्वारा उसका जवाब दावे का दिया जाता है जिसे रिटन स्टेटमेंट कहा जाता है। और ये दोनों न्यायालय के समक्ष नोटिस जब प्रतिवादी को चला जाता है वादी के दावा प्रस्तुत करने के बाद, तो वो जवाब दावा प्रस्तुत करता है। दावे और जवाब दावे के आधार पर न्यायालय का ये कार्य है कि वो इश्यूज या विवादित या फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज जिसे कहा जाता है, वाद प्रश्नों की रचना जो दोनों पक्षों के मध्य कुछ एडमिशन होता है, कुछ डिनाइल होता है, तो जिन चीज़ों पर दोनों पक्ष सहमत नहीं होते उन पर विवादित या इश्यूज बनाए जाते हैं। और इश्यूज दो तरह के होते हैं, इश्यूज ऑफ लॉ और इश्यूज ऑफ फैक्ट। ये ऑर्डर 14 में CPC के व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 में विवादित या इश्यूज निर्धारण के बारे में बताया गया है। तो अब मेन विषय पर आते हैं कि सिविल मामलों में जो विवादित हैं वो न्यायालय के द्वारा बनाए जाते हैं। न्यायालय की ड्यूटी है कि वो समय पर दोनों पक्षों की प्लीडिंग को पढ़कर दावे और जवाब दावे के आधार पर किन विषयों पर दोनों में विवाद है, क्या अनुतोष वादी के द्वारा चाहा गया है, उस आधार पर इश्यूज बनाए जाते हैं। इश्यूज ऑफ फैक्ट होते हैं तथ्यों के बारे में जिनमें विरोधाभास है दोनों पक्षों के मध्य, उनमें इश्यूज ऑफ फैक्ट तथा लॉ संबंधी जैसे लिमिटेशन के संबंध में, ज्यूरिसडिक्शन के संबंध में, कॉज ऑफ एक्शन के संबंध में, ये विधि संबंधी बात प्रश्न होते हैं। तो दो तरह के मैंने आपको इश्यूज बनाए, इश्यूज ऑफ फैक्ट बताए और इश्यूज ऑफ लॉ। ये न्यायालय के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, दोनों पक्षों के वकील इसे नोट करते हैं, दोनों पक्षकार नोट करते हैं और उसी पर सारी एविडेंस दोनों पक्षों को न्यायालय के समक्ष उस दावे में लानी होती है। तो ये जो इश्यूज ऑफ फैक्ट है और इश्यूज ऑफ लॉ है ये न्यायालय के द्वारा बनाए जाते हैं। सबसे पहले प्लेंटिव की एविडेंस होती है वादी की, उसके बाद प्रतिवादी की एविडेंस दी जाती है जब उनकी एविडेंस क्लोज हो जाती है। ये ओरल भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है। ओरल मौखिक न्यायालय के समक्ष होती है और दस्तावेज जो दोनों पक्षों के द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने अपने दस्तावेज सपोर्टिंग में प्रस्तुत किए जाते हैं, इन पर एग्जिबिट डाला जाता है जिन्हें एविडेंस में पढ़ा जाता है। तो जब कोई भी इश्यूज बन जाते हैं इनमें, सबसे पहले जजमेंट राइटिंग का भी मैं बताता हूँ, फिर एविडेंस ली जाती है जिसका एप्रिसिएशन करके फैसला लिखा जाता है। फैसले में जहाँ तक पक्षकारों के फैसले का प्रश्न है, सिविल मामलों में सबसे पहले न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का नाम रहता है, फिर उसके बाद शीर्षक में कोर्ट का नाम, कोर्ट के नाम के बाद वाद का क्या क्रमांक है, वादी के वाद का, वादी और प्रतिवादी के दोनों डिटेल रहते हैं, कौन कौन वादी और प्रतिवादी हैं विरुद्ध में, फिर निर्णय की तारीख, किस तारीख को ये जजमेंट पास किया जाता है, वाद की प्रकृति क्या है, यहाँ से शुरू होता है नेचर क्या है, एडमिटेड फैक्ट्स क्या हैं, अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स क्या हैं, ये लिखे जाते हैं। वादी का प्रकरण क्या है वो उसके फैक्ट्स संक्षेप में लिखे जाते हैं। फिर प्रतिवादी का प्रकरण क्या है, इनके आधार पर इश्यूज का निर्धारण किया गया, उभय पक्ष के द्वारा जो अभिवचन किए गए उनके आधार पर ये वाद प्रश्न बनाए गए जो विधि संबंधी और तथ्यों संबंधी हो सकते हैं। विवादक की रचना जो है ट्रायल के दौरान न्यायालय के द्वारा की जाती है, दोनों पक्षों का प्रकरण न्यायालय के समक्ष आता है, उसके बाद एविडेंस वगैरह ली जाती है। तो इन मामलों में आदेश 14 CPC के तहत तो वाद प्रश्न निर्धारित हो गए जो मैंने बताया, इश्यूज ऑफ फैक्ट और इश्यूज ऑफ लॉ, और विवादित जो लॉ के संबंध में उन पर भी, फिर इन पर दोनों पक्षों की एविडेंस ली जाती है। व्हाट इज द रिलीफ डिमांडेड बाय द प्लेंटिव, ये देखा जाता है कि क्या वादी कौन सा अनुतोष प्रतिवादी के विरुद्ध
अपने अधिकार और दायित्व के संबंध में चाह रहा है। इसके आधार पर पूरी एविडेंस होती है। जो सहायता मांगी गई उसके बारे में क्या क्या न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा अर्थात जिसने दावा लाया है प्रमाणित किया गया है। अच्छे निर्णय का आधार विवादकों की सही रचना है। तो इसके लिए दोनों पक्षकारों के अधिवक्ता भी कई बार विवादक जब बनाए जाते हैं न्यायालय के द्वारा और वो अपने प्रपोज्ड इश्यूज देते हैं तो विवादक की रचना इस जजमेंट के अंदर एक तरफ विवादक लिखे जाते हैं दूसरी ओर निष्कर्ष लिखे जाते हैं। निर्णय तक पहुंच पाने में निष्कर्ष की प्रविष्टि आखिर में न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ प्लीडिंग ऑफ बोथ दी पार्टीज कंक्लूजन गिवन बाय दी एविडेंस ऑफ बोथ दी पार्टीज आफ्टर दी एप्रिसिएशन एंड मार्शलिंग ऑफ एविडेंस ऑफ बोथ दी पार्टीज। तो ऑर्डर 20 रूल 4 भी देखना होगा निष्कर्ष के संबंध में दोनों पक्षों के द्वारा क्या क्या साक्ष्य दी गई दोनों पक्षों की साक्ष्य के आधार पर न्यायालय या न्यायालय का न्यायाधीश किस निष्कर्ष पर पहुंचा है लिखना होता है। ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का न्यायालय के द्वारा न्यायाधीश के द्वारा इश्यूज के आधार पर वास्तविक मार्शलिंग ऑफ एविडेंस अर्थात विश्लेषण किया जाता है किन बातों पर वो रिलाय अपॉन कर रहे हैं किन बातों को वैध और विश्वसनीय साक्ष्य के रूप में वादी ने प्रमाणित किया प्रतिवादी खंडित नहीं कर पाया ये सब बातें एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस में लिखी जाती है। सिविल और क्रिमिनल केसेज में जजमेंट लिखने का यही एक एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस मुख्य आधार रहता है। तो इस तरह कुल मिलाकर इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि इश्यूज़ क्या होते हैं मार्शलिंग ऑफ एविडेंस क्या होती है तथा जजमेंट कैसे लिखा जाता है। तो ये एक न्यायालय के न्यायाधीश की काबिलियत पर निर्भर करता है कि वो मामले सिविल मामले में जजमेंट किस तरह से अच्छे से लिख सकता है और उसका निर्णय ऊपर के एपेक्स कोर्ट द्वारा भी जो भी साक्ष्य उसके समक्ष मटीरियल ऑन रिकॉर्ड आई है उसके आधार पर अपेल किया जाए और वो निर्णय स्थिर बना रहे। तो इन ये निर्णय लिखना तथा वाद प्रश्न बनाना एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस न्यायाधीश की काबिलियत और उसकी कला पर आधारित रहता है। इसी पर उसका सारा सिविल मामले का निर्णय निर्भर करता है। तो मित्रों मैंने ये जानकारी दी आपको जानकारी कैसी लगी यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे प्रत्येक अपने साथी दोस्त परिचित लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़े लोगों एडवोकेट सिविल जज की तैयारी करने वाले लोग तथा विधि का ज्ञान बढ़ाने वाले लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस वीडियो में यहीं तक कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। एक और अनुरोध मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक यूट्यूब पर चैनल है श्रीमती अर्चना शर्मा का अर्चना आरटी अप के नाम से चैनल है कृपया उसे भी सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि अच्छे लगे तो लाइक करें शेयर करें। इस वीडियो में यहीं तक धन्यवाद। मैं तहे दिल से आपका हृदय से आभारी हूँ।